नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर भवन विष्णु जी हैं, और इसी के साथ ही साथ बात करें अगर स्टूडियो की तो माँ चामुंडा म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवाबगढ़ से हमारे साथ दो साथी हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं द खबरदार न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं विजय तिवारी आज द खबरदार न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। नमस्कार। नमस्कार सभी द खबरदार न्यूज श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। मैं बब्बन विष्णु, माँ चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवाबगंज। आपका स्टूडियो जिस जगह पर है भगवान राम की कर्मस्थली रही है, और अयोध्या उससे चंद दूरी पर ही है जी। श्री राम के चरित्र के बारे में और प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में हम आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जैसा कि पूरे विश्व में प्रख्यात हमारा अवध प्रांत, जहाँ से श्री राम जी का जन्म हुआ, और अभी आप लोगों के बीच में मंदिर मुद्दा इतना बड़ा था जी। हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर भी भव्य बन रहा है, एक पर्यटक स्थल होगा वो जी। और उससे सटा हुआ हमारा स्टूडियो ठीक 14 किलोमीटर की दूरी पर नवाबगंज स्थित माँ चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवाबगंज गोंडा जिला जी। और एक म्यूजिक कलाकार के लिए, एक गीतकार के लिए, गायक के लिए कौन सी प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए? देखिए क्या है, जो गायक की दुनिया में कदम रखते हैं सबसे पहले उनके लिए दो तीन बातें जान लेना ज़रूरी है। पहली ये है कि उनको सबसे पहले क्या होता है कि उनको सुर ताल की जानकारी होनी चाहिए, फिर आगे कुछ ना कुछ कर पाएंगे वो जी। ये सब बातें हैं इनके लिए जी। और अगर वर्तमान समय में हम देखें तो बहुत सारे कलाकार हमारे समाज से सामने आ रहे हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छी प्रतिभा है, और वास्तव में अगर उनके हुनर को तराशा जाए तो वो विश्व पटल पर अपने संगीत से, अपने अभिनय से या अपनी विशेष कला के द्वारा छाप छोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है किसी भी कलाकार के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म का मिलना। तो आप लोगों के स्टूडियो के द्वारा इस बारे में क्या किया जाता है? देखिए, पहले तो मैं उन सभी कलाकारों को जो इस लाइन में आना चाहते हैं या जो बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, मैं द खबरदार न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये सबसे अनुरोध करूंगा कि हम जितने नए कलाकार या पुराने कलाकार हैं जिनका शोषण हो रहा है या किसी कारणवश उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है या माता पिता से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इन सब कारणों से वो उनके अंदर प्रतिभा है और वो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनके लिए हमारे अवध प्रांत में माँ चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अगर ऑडियो से संबंधित है तो बब्बन जी इसका बीड़ा उठाए हुए हैं कि आप आइए, आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा जो हमारे लायक है। और वीडियो में वो चाहे एल्बम्स को लेकर के बात हों, चाहे फिल्म को लेकर के बात हों, अगर जिस प्रकार की उनके अंदर कला है जी, आए अपना इंटरव्यू दें जी, निखारने का पूरा प्रयास किया जाएगा जी, और उनको एक सही प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, क्योंकि आप निखरेंगे तो हम निखरेंगे जी, हमारा पूरा भारत निखरेगा जी जी, और कला से पूर्णतः समृद्धशाली देश बन सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में संगीत के क्षेत्र में आपकी क्या भूमिका है, या एक म्यूजिक डायरेक्टर की क्या भूमिका होती है, वो क्या करता है, दर्शकों को थोड़ा सरल शब्दों में बताएं? क्या होता है जो म्यूजिक की दुनिया है जी, सबसे पहले ये होता है कि कोई भी गाना हुआ उसका पहले डमी लिया जाता है जी, उसके बाद उसको हम लोग बहुत दिलो जान से ज़्यादा म्यूजिक तैयार करते हैं, फिर उस पर रिकॉर्डिंग करके, रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं जी, फिर उसको हम लोग पब्लिक में लाते हैं जी। और इस स्टूडियो को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था, या कौन सी ऐसी प्रेरणा थी जिस प्रेरणा के कारण जो थे इस स्टूडियो को आपने शुरू किया? देखिए, बिना स्टूडियो के तो कुछ हो नहीं सकता जी। जैसे आम दर्शक घूमते हैं ऐसे हम लोगों को भी कहीं प्लेटफॉर्म ना मिल पा रहा था जी, और बस ऐसे
एक फिल्म दूसरे की हम शूट करने गए, पर्दे के पीछे का रोल होता है हम लोगों का जी। तो वहाँ बतौर कैमरामैन के रूप में हम गए जी। काफ़ी मेहनत करने के बाद में होता क्या है कि लोग शूट करना आसान है, एक किसी चीज़ को शूट करके लोग एंजॉय के तहत करके और भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, मेहनत करते हैं उसके बाद एंजॉय करके छोड़ दिए, ना तो वो किसी प्लेटफॉर्म तक आ सकता है, ना किसी चैनल पे आएगा, ना कहीं ऐसा कुछ होगा जी। तो वहाँ से मुझे सीख मिली, काफ़ी बच्चे जो है शोषण हो रहा था, वो बहुत परेशान रहे, कोई खेत बेच कर पैसा ला रहा है, कोई मेहनत करके पैसा ला रहा है और समय भी अपना गंवा रहा है जी। तो ऐसे कुछ कलाकार हमको मिले जिनसे मुझे प्रेरणा मिली और उनकी हमने एक टीम बनाई और टीम बनाकर मात्र 6 दिन में मैंने शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया जी। फिल्म का नाम है वन डे द फॉरेस्ट जी। और उसके बाद में फिर हमको लगा कि हमको आरडीओ के लिए एक स्टूडियो की ज़रूरत है जिसकी स्थापना होनी चाहिए, तो हम अपने बब्बन भाई से अनुरोध किए कि आप एक टीम के तहत काम हो जी। और उसमें म्यूजिक का रोल आपका रहेगा जी, क्योंकि बहुत वर्क होते हैं, एक बंदा सारा काम नहीं कर सकता, म्यूजिक का काम अलग हो गया, वीडियो का काम अलग हो गया, जैसे सब्जी बनती है तो मसाला लगता है उसी तरीके से। फिर जो है फिल्म को तैयार किया, उसको शॉर्ट लेंथ पे हमने तैयार किया क्योंकि इतनी बड़ी बजट की व्यवस्था नहीं थी, प्रोड्यूस भी खुद ही किया हूँ और उन कलाकारों को लेकर के मैंने चैलेंज करता हूँ, 6 दिन के अंदर मैंने वीडियो को शूट किया और जिन एकदम ना अनुभवी कलाकार को लेकर के आप वीडियो को देख सकते हैं और देखने के बाद में उन कलाकारों की प्रतिभा को आप सराहेंगे कि हाँ 6 दिन के अंदर क्या उन्होंने करके दिखाया है। तो जितने भी नए कलाकार हैं मैं बखूबी उनसे कराने का जज्बा रखता हूँ और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा दर्शकों का तो कराऊंगा जी। और आपके स्टूडियो में लगभग किन किन भाषाओं के सॉन्ग रिकॉर्ड किए जाते हैं? हमारे स्टूडियो में ज़्यादातर भोजपुरी और हिंदी होते हैं जी। और हम अगला सवाल भी आपसे ही पूछना चाहेंगे कि जैसे आपका ये काम काफ़ी समय से चल रहा है तो कुछ ऐसे कलाकार जिनके साथ आपके बेहतर अनुभव हुए हों, जिनको लेकर के आपने आपको लगा हो, आपको खुद प्रेरणा मिली हो, ऐसे कलाकारों के बारे में किसी अनुभव के बारे में बताएं। कई कलाकार ऐसे हैं जो हमारे स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ गाना जी और मार्केट में काफ़ी दिलों में छाए हुए हैं जी। एक अभी जल्द सॉन्ग आया था जो ना बोले जय श्री राम जी। उसके बारे में कुछ चर्चाएं भी, काफ़ी चर्चाएं हुई उस बारे में और सिंगर को जेल भेजाना पड़ा जी। सिंगर का नाम था वरुण बहार जी जी। ये सब बातें मतलब कंट्रोवर्सी भी आपकी स्टूडियो से लगातार जुड़ी रहती है जी। और कई सारे राम भजन हमारे स्टूडियो से रिकॉर्ड हो जिस समय महंत वीर जो मोहनदास के जरिए हो रहा है जी। कई गाने लॉन्च हुए हैं जी, इसको कट लगातार काम चल रहा है, फिर से पूछे कट कर दीजिए इसको। हाँ तो बता दीजिए, फिर से पूछे आप जुड़ जाएगा ले लीजिए। हाँ बोलिए ना। कई ऐसे सारे गाने रिकॉर्ड हुए हैं अपने स्टूडियो से जो गानों को लेकर विवाद भी हुआ है जी। जैसे गाना है जो ना बोले जय श्री राम, उसके चलते सिंगर को जेल भी जाना पड़ा, वरुण बहार नाम है सिंगर का जी। और काफ़ी कई राम भजन आए हुए हैं अपने स्टूडियो से जी, जो इस समय हमारे महंत बिरज मोहनदास दशरथ गद्दी के महंत जी हैं जी। वो भी सपोर्ट कर रहे हैं जी स्टूडियो से। और अयोध्या उत्तर प्रदेश जी, और कहीं ना कहीं भारत की रज रज में बसा हुआ राम का नाम जी जी, स्वयं में अद्भुत है, स्वयं में अतुलनीय है जी। और हर व्यक्ति के जीवन दर्शन को स्वयं ही व्यक्त करता है। राम नाम की महिमा अत्यधिक मानी जाती है, वर्तमान समय की बात करते हैं तो हम आपसे राम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, राम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उनकी जो भी गणना कीजिए बहुत कम है और मैं अपने इस जुबान से नहीं बयां कर सकता हूं क्योंकि मैं बहुत छोटा उनके क्या आपको जो भी बोलना होगा आप बोलते रहिए। उनकी गणना जितनी भी की जाए बहुत कम है क्योंकि प्रभु श्री राम तो हर दिलों में छाए हुए हैं जी। और बहुत भव
बहुत जल्द बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है, कार्य शुरू हो गया, आप लोग जानते ही हैं। और एक बार जो नहीं गए हैं अयोध्या धाम, एक बार आके देखिए जी। नए कलाकारों को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है नए कलाकार, सभी कलाकार भाइयों से, कि अगर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, और इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप संपर्क करिए, नवाबगंज एक बार आइए, माँ चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आप आडियो की बात हुई या वीडियो की बात हुई या फिल्मों को लेकर के बात हुई, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई नहीं मिलता है, तो इसका जिम्मेदारी मैं विजय तिवारी और बब्बन विष्णु के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि लेता हूँ। आने वाले दिनों में क्या हम आप लोगों के द्वारा फिल्म प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हुए आप लोगों को देख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी हाल ही में हमारी मूवी शूट होने वाली है जी, स्क्रिप्ट तैयार हो गई है जी, उस पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि जल्द ही मूवी शूट की जाए जी। और सभी कलाकारों से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार स्टूडियो आए जी, और जिस भी लेवल के वो कलाकार होंगे जी, उस लेवल तक उनको पहुंचाने का जिम्मा हमारे स्टूडियो के माध्यम से और हमारे साइट के माध्यम से, MCRS म्यूजिक के माध्यम से उनको वो प्लेटफॉर्म दिलाने का कार्य किया जाएगा। और जिस क्षेत्र में आपका ये स्टूडियो है वो अवधि का क्षेत्र माना जाता है, अवध नरेश श्री राम का क्षेत्र माना जाता है। अवधि एक ऐसी भाषा जिसमें रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की गई जो मानव समाज के जीवन दर्शन को प्रस्तुत करता है जी। और वर्तमान समय में अगर बोलियों की बात करें, भाषाओं में, उपभाषाओं में जो कार्य हो रहा है, चाहे भोजपुरी की बात करें, चाहे अवधि की बात करें जी। और एक नई जो भाषा काफ़ी समय से प्रचलित है, और ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस में भी उस भाषा के लगभग 60% से ज़्यादा शब्द उपयोग किए गए हैं, बघेली भाषा। तो बघेली भाषा को लेकर के इन दिनों व्यापक कार्य किया जा रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के संगीत के क्षेत्र में बघेली को लेकर जो संभावनाएं हैं उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए बघेली एक बहुत ही अच्छी भाषा है, बड़ी मीठी भाषा है, और बघेली और अवधि मिलती जुलती हुई भाषा है जी। ये आज के जो भोजपुरी हैं, फिल्मी हैं, हिंदी हैं, इंग्लिश हैं जी, इनसे कहीं मीठा स्वर जो है आपका, ये बघेली हमारा और ये अवधि भाषा जो है, एक बार आप सुन के देखिए कितना मिठास है जी। कितने पुराने ऋषि महात्मा हुए हैं जो उच्चारण किए हैं, लेकिन आज के डेट में उसको लोग बोलना नहीं पसंद करते, सुनना नहीं पसंद करते, लेकिन जब उनकी गहराइयों में जाते हैं तो बड़ा सुकून प्राप्त होता है। ऐसी भाषा को हम कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, तो ये हमारी मातृभाषा है अवधि भाषा, बघेली भाषा, हिंदी भाषा जी। जी तो आप लोगों ने काफ़ी बेबाकी के साथ प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में, संगीत के बारे में और नवीन कलाकारों को लेकर के हमसे चर्चा की। कुछ और संगीत से जुड़ी हुई ऐसी बात जो आप दर्शकों को विशेष तौर पर बताना चाहते हो? देखिए मैं सभी दर्शकों से, सिंगर भाइयों से और एक्ट्रेस मित्रों से यही कहना चाहूँगा कि कलाकार की दुनिया में इसका कोई अंत नहीं है जी। और ना इसका कोई लेवल है कि एक अस्थाई लेवल हो जी। जिस लेवल का आप काम करेंगे उस तरीके से आप जाने जाएंगे जी। और कोशिश यही रखिए कि अश्लीलता ना फैलाएं, ना फैलने दें, किसी के दिल को ठेस ना पहुँचें, और ये एक माध्यम एंजॉय का माध्यम होता है, कुछ जानकारियां देने का माध्यम होता है, मनोरंजन का माध्यम, मनोरंजन जिसका नाम ही है जी। और जी और आपने अभी अश्लीलता के बारे में बात की, वर्तमान समय में भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर बात करें तो अश्लीलता को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ही उठते रहे हैं कहीं ना कहीं। तो संगीत एक साधना का नाम है,
संगीत मर्यादाओं और भारतीय संस्कृति से बधी हुई एक कला है, तो संगीत में अश्लीलता को लेकर के आपका क्या विचार है? मतलब आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? और कहीं ना कहीं अगर म्यूजिक कंपोज आप लोग कर रहे हैं, एक स्टूडियो के तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गाने स्टूडियो से निकलते हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोगों की कोशिश यही रहती है, राइटर्स को खास तौर पे हम लोग सतर्क करते हैं कि किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के लोग हों या अश्लीलता के बारे में हो, ऐसे अशब्द ना प्रयोग किए जाएं कि जिससे किसी की अंतरात्मा को ठेस पहुंचे। और यही कोशिश रखूंगा कि मनोरंजन की दुनिया में बस उतना ही रखिए कि जिससे किसी की भावना को ठेस नहीं ठेस ना पहुंचे, जानकारी प्रदान हो, क्योंकि दर पीढ़ी ये चलेगा, जो आज आप परोसेंगे वो हमेशा रहेगा। और ऐसी चीजें करिए कि जो आपके गुणगान हो, ऐसा ना हो कि चार आदमी सुनने के बाद में, और आजकल तो भोजपुरी देख ही रहे हैं, कुछ भोजपुरी गंदा नहीं है, भोजपुरी इस समय कुछ लोगों के कारण गंदा हो गया है, वो अश्लीलता में ओवरटेक करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। बाकी भोजपुरी भी बहुत मीठा शब्द है, बहुत अच्छी वाणी बोली जाती है भोजपुरी में। आप पुरबैया में चले जाइए, खाटी भोजपुरी है, ये सब भोजपुरी है, बहुत ही प्यारी भाषा है। नए कलाकारों को आपके माध्यम से कुछ संदेश? देखिए, नए कलाकारों के बारे में ये है कि हम लोग सोचते हैं कि वो एक बड़ी उम्मीद लेके आते हैं हम लोगों के पास में, तो हम लोग यही सोचते हैं कि जितना भी मेहनत करें इन लोगों के साथ में उतना ही कम है। यही उम्मीद रहती है कि ये लोग आगे बढ़ें और आगे जाएं और हम लोगों का जो प्रयास है सफल हो जाए। जी, मतलब आप लोग लगातार कलाकारों को लेकर के आगे आ रहे हैं। और यहाँ उभरते हुए कुछ कलाकारों का नाम, और आपके यहाँ जैसे कई सारे सिंगर से जुड़े हुए रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, उनमें कुछ बड़े कलाकारों के नाम जो आपके यहाँ से गाने रिकॉर्ड हुए हों, और कुछ ऐसे उभरते हुए कलाकार जो आने वाले भविष्य में देश भर को, दुनिया भर को संगीत की दुनिया के एक राइजिंग स्टार के तौर पर देखे जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएँ जिनमें हों, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? देखिए, हमारे वहाँ के जो अवध क्षेत्र के सिंगर हैं जी, काफ़ी जाने माने हैं जी। जैसे ले लीजिए, हमारे वहाँ के वरुण बहार जी हैं जी, गगनदीप सिंह हैं जो श्याम भजन बहुत अच्छा गाते हैं, और हरिओम तिवारी जी हैं जी, महेश जी हैं, कई सिंगर ऐसे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा इस समय नाम अपना कर रहे हैं मार्केट में, लगातार काम कर रहे हैं जी जी जी, और मुझे लग रहा है कि आगे चल के बहुत अच्छा नाम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ माँ चामुंडा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के वीडियो डायरेक्टर, वीडियो एडिटर, म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर। तो आप लोगों ने हमारे साथ द खबरदार न्यूज़ के साथ अपना अमूल्य समय देकर संगीत के बारे में, राम के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी दर्शकों को धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।